राजस्थान का अलवर जिला पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में है। कथित गौ तस्करी के नाम पर युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। इस मामले के उजागर होने के बाद से पुलिस प्रशासन और भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इस मामले में मृतक की पत्नी ने एक दर्दनाक गुहार की है। वहीं इस मामले पर कुछ चौंकाने वाली प्रतिक्रियाएं भी सामने आईं। राहुल गांधी ने ट्वीट कर घटना का विरोध जताया तो कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव ने सीबीआई जांच की मांग की। आइए आपको सुनाते हैं मोदी सरकार की कार्यप्रणाली के खिलाफ एक ऐसा सच जिसे आप सब सुनना चाहेंगे। मुसलमान वजह के वो ने सुमारो है, मोदी मुसलमान ने मरवारो, जेल में दे दे तो हाथ पैर ने तोड़ दिया था, जान सुत मत मारता, मेरा छोटा छोटा बच्चा रहेगा, कुछ भी धन तो पानी ना है, मजदूरी कर रोला रो बड़ा कर लू। ये थी मृतक अकबर की पत्नी जिन्होंने अपना दर्द बयां किया। इस मामले में कांग्रेस ने पुलिस की जांच पर सवाल उठाए हैं। सबसे पहले आपको सुनाते हैं क्या कहा पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह ने। जो एक माहौल हमारा बना हुआ है, भावना का जो माहौल बना है, उसको बिगाड़ने के लिए सब किया जा रहा है और इसके अंदर पुलिस प्रशासन और सरकार का इसके अंदर हाथ है। चुनाव तो ये सरकार हार रही है, अब कोशिश कर रही है कि हमारा प्रदेश का भाईचारा को बिगाड़ें और कोई इस तरह का माहौल पैदा करें जहाँ जातियों में धर्मों के अंदर झगड़ा हो और फिर हम उसको अंदर वोट की राजनीति करके वो वोट लें। मुसलमान वजह के वो ने सुमारो है, मोदी मुसलमान ने मरवारो, जेल में दे दे तो हाथ पैर ने तोड़ दिया था, जान सुत मत मारता, मेरा छोटा छोटा बच्चा रहेगा, कुछ भी धन तो पानी ना है, मजदूरी कर रोला रो बड़ा कर लू। इसी मामले पर अशोक गहलोत की भी प्रतिक्रिया आई। वहीं पीसीसी चीफ सचिन पायलट भी पीछे नहीं रहे। वहाँ के एमएलए खुद कह रहे हैं कि पुलिस प्रोटेक्शन डेथ हुई है, तो ये जो मेरा आर्गुमेंट है इसमें सीबीआई जांच हो स्पष्ट रूप से, जिससे लोगों में भय बैठे, भविष्य के लिए भी भय हो लोगों में, अगर ऐसी हरकत हम करेंगे तो सीबीआई जांच करेगी और उसकी सजा मिलेगी। मुसलमान वजह के वो ने सुमारो है, मोदी मुसलमान ने मरवारो, जेल में दे दे तो हाथ पैर ने तोड़ दिया था, जान सुत मत मारता, मेरा छोटा छोटा बच्चा रहेगा, कुछ भी धन तो पानी ना है, मजदूरी कर रोला रो बड़ा कर लू। ये आज अखबार में हमने पढ़ा है, लेकिन इसकी पूरी जांच हो, जुडिशियल जांच हो, क्योंकि लोगों का भरोसा ना तो प्रशासन पे ना पुलिस पे है। अगर मुख्यमंत्री गृह मंत्री अभी चुप्पी नहीं तोड़ पा रहे हैं तो जब तक जुडिशियल इंक्वायरी नहीं होगी हमें तब तक पता नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर पुलिस भी इसमें इन्वॉल्व है तो बहुत गंभीर इशू है। और इस राजस्थान प्रदेश में जो हमेशा अमन चैन की बात हम लोग करते थे, आज वो हिंसा की भेंट चढ़ रहा है। लोगों को शक के आधार पर जान से मार देना किसी भी सभ्य समाज में एक्सेप्टेबल नहीं है। बीजेपी की सरकार पूरी तरह जिम्मेदार है। वसुंधरा जी ना जाने किस व्यवस्था में अपनी चुप्पी नहीं तोड़ रही हैं और ट्वीट कर देने से न्याय नहीं मिलता। उनकी सरकार को करके दिखाना पड़ेगा कि जो ऐसा घिनौना घटनाक्रम सामने आया है उसको समाप्त करने के लिए वो क्या कदम उठा रही है। मुसलमान वजह के वो ने सुमारो है, मोदी मुसलमान ने मरवारो, जेल में दे दे तो हाथ पैर ने तोड़ दिया था, जान सुत मत मारता, मेरा छोटा छोटा बच्चा रहेगा, कुछ भी धन तो पानी ना है, मजदूरी कर रोला रो बड़ा कर लू।